नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले भर मनाया गया हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस। पिपरिया में 71वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम आरएनए स्कूल में आयोजित हुआ। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन किया। आयोजित स्कूली छात्र छात्राओं ने पीटी और देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं विभागीय शासकीय योजनाओं की विकास प्रदर्शनी भी निकाली गई। इससे पहले मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया और स्कूली छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति से बांधा समा। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर दास नागवंशी सहित सभी जनप्रतिनिधियों और एसडीएम सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हाँ तुझे करो सब। जन्म लेते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, हम जिएंगे, हम मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम तुम्हारे और तुम्हारे देश का बुरा हाल कर देगा शाना। ये भूल मत करना गोरी चमड़ी के बंदा, बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर तरफ तुझे आंखें ललका रही है। अरे जब एक क्रांति मरता है तो देश में हजारों क्रांति पैदा होते हैं। इस बारूद के ढेर पे जब एक सांगा मरेगा तो हजारों सांगा पैदा होंगे। हम तुम्हारा सीना बारूद से छन्नी कर देगा। चला अपनी गोलियां, हर गोली क्रांति के सीने से टकराएगी और पलट के कहेगी कि इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन जिंदाबाद है मेरे दोस्तों, वो लोग जो मौत से टकराते हैं और मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। अरे सुख को ठुकरा, सुख को गले लगा। होशंगाबाद से विशेष संवाददाता संजय सिंह राजपूत की रिपोर्ट।